नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 11 है वो कंप्लीट किया था, राइट? और नाउ अभी हमारी एग्जाम नजदीक आ रही है, तो हम लोग हमारी जितना भी हमारा सिलेबस है हमारी दिवाली बाद का, राइट, सेम टू का, उसका थोड़ा रिविजन करेंगे और हमारी पेपर स्टैंड किसके अनुसार है वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। आज मैं आप लोगों को जो मैं वर्कशीट दूंगी वो वर्कशीट ही समझाऊंगी, साथ साथ मैं आप लोगों को हमने जो चार चैप्टर किए हैं, हमारे चार चैप्टर आने वाले, राइट, चैप्टर 8, 9, 10 और 11, राइट, वो चारों चैप्टर आप लोगों को पाठ वाला में से करने हैं, अभ्यास पुस्तिका में से करने हैं और ये जो हम लोग में वर्कशीट आप लोगों को आज करवाऊंगी उसी तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है, राइट। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी से हमारे जो लेसन है उस पर एक बार नजर डाल देते हैं, राइट, क्योंकि अगर हमारा लेसन हमें क्लियर होगा तो हम लोग आसानी से हम उसके आंसर दे सकते हैं। हमारा चैप्टर 8 था जापान, क्या था, जापान। तो जापान के बारे में हमने क्या क्या देखा था कि जापान में एक तो जो दो सहेलियां है रीना और अक्षिता, राइट, वो दोनों है, वो दोनों क्या कर रही है कि एक जो लड़की है रीना को खत लिख रही है और खत में जापान के बारे में सारी बातें बता रही है, राइट, कि जापान की मुद्रा क्या है, जापान में सबसे ज्यादा क्या आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, वो फूलों का शहर कहलाता है, राइट, उनकी मुद्रा येन है, फिर उनकी भाषा है वो जापानी है, राइट, और जापान की राजधानी टोक्यो है और वो लोग के घर कैसे होते हैं, लकड़ी के घर होते हैं, राइट, और उनके घरों में बहुत ज्यादा दीदें भी होती नहीं है और साथ ही साथ उसके बाद क्योंकि भूकंप बहुत आते रहते हैं इसलिए ज्यादा दीदें भी घर में नहीं होती और वो लोग जो बिछोना उसका होता है जिस पर वो सोते हैं वो किसका होता है, घास का, राइट, और घास का बिछोना है उसको क्या कहते हैं, टटामी कहते हैं, क्या कहते हैं, टटामी, राइट। तो ये जापान का लेसन था, उसके बारे में हमने देखा कि और उनका प्रिय खेल था सुमो, राइट, और साथ ही साथ प्रमोद की भाषा जापानी। और अब देखते हैं चैप्टर नंबर 9, क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 देखते कि चैप्टर 9 का दादा दादी चुप क्यों रहते हैं, राइट। तो दादा दादी चुप क्यों रहते हैं, क्योंकि घर में कोई फ्री नहीं होता, मम्मी होती है जो स्कूल पे जाती रहती है, पापा है जो दफ्तर जाते हैं और शाम को आते हैं वो थक जाते हैं वो सो जाते हैं और हम बच्चे क्या करते हैं कि हम अपना स्कूल से आते ही हम लोग अपने होमवर्क में डट जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में लग जाते हैं, दादा दादी के साथ किसी को बातें करने का टाइम नहीं है, राइट। तो हम आगे से कभी ऐसा नहीं होने देंगे, ये सारी बातें हमने उस लेसन में देखी थी, राइट। फिर दादा दादी से जी भर के बातें करेंगे। फिर था चैप्टर नंबर 10, मेरा गांव। तो हमने देखा था कि विवेक और भव्या दोनों भाई बहन है वो कहाँ रहते हैं, विदेश में रहते हैं और वो हर साल भारत आते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने और उनकी दादाजी है वो उन्हें कहाँ घूमने ले जाते हैं, यस, गांव में, कहाँ ले जाते हैं, गांव में, राइट। और साथ ही साथ गांव में वो उनको कहाँ किस में ले जाते हैं, रेल में, ट्रेन में, राइट। फिर उसमें से उतरते उतर के वो लोग बैलगाड़ी में बैठते हैं, नॉर्मली वहां पर पक्की सड़कें थी, वहां पर बस टैक्सी वो भी जाता है पर दादाजी उन लोगों को बैलगाड़ी की सवारी करवाना चाहते थे इसलिए दादाजी उन्हें बैलगाड़ी की सवारी करवाते हैं और साथ ही साथ वो पगडंडी जहाँ पर वो कच्चा रास्ता होता है, राइट, वहां पर वो चलती है, वहां पर वो देखते हैं बहुत सारे खेत होते हैं, किसान उसमें काम करते हो रहे, फिर बच्चे है जो नदी में नहा रहे हैं, राइट। फिर उन्होंने बात की कि बच्चों को कोई स्विम करना सिखाता नहीं है, वो अपने आप तैरना सीखते हैं, राइट। फिर उन लोगों ने वहां पर क्या क्या खाया था सभी किसान दादाजी को जानते थे, फिर उन्होंने अपने हाथ से मूली गाजर मटर और सब कुछ तोड़कर खाया और गांव का एक अद्भुत अनुभव किया, राइट। फिर था चैप्टर नंबर 11, राइट, चैप्टर नंबर 11 क्या था कि ईमानदारी का फल। हमने देखा था कि कुल्हाड़ी लकड़हारा, राइट, एक लकड़हारा होता है जो लकड़ी काटने का काम करता है, राइट। तो वो लकड़ी काट के अपने जो उसका बोझा था वो लेके चल रहा था नदी के पुल के ऊपर से पर उसका बोझा था वो बहुत भारी था जिसकी वजह से उसके पैर थे वो लड़खड़ाने लगे और वो पानी में उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो ऊपर से पानी में गिर जाती।
फिर वो तो एकदम उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, और क्या होता है कि वो जो जलपरी थी एकदम अचानक से उस पानी में से एक जलपरी निकलती है, और वो जलपरी उसको क्या देती है, सोने की कुल्हाड़ी। तो वो लकड़हारा तो मना करता है कि नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर तो उसको एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाती है, तो वो भी लकड़हारा मना कर रहा है कि नहीं, ये भी मेरी नहीं है। और फिर जब लास्ट में वो लोहे की उसकी कुल्हाड़ी दिखाती है जलपरी, तो एकदम खुशी से झूम उठता है कि हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, और एकदम से खुश हो जाता है। तो जलपरी उसकी ईमानदारी को देख कर उसको तीनों की तीनों कुल्हाड़ियाँ दे देती है, राइट। तो ये थे हमारे चैप्टर 8, 9, 10 और 11, राइट। अभी हम लोग हमारी पेपर स्टाइल है, देखो पेपर स्टाइल में भी हमें देखना है कि दो प्रकार के हमारे इस बार पेपर होने वाले हैं, राइट। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम, जो हम लोग मोबाइल में देंगे, राइट। उसमें हमें पता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और फिर नेक्स्ट बाद में हम लोग आपके मम्मी पापा यहाँ पर आएंगे और पेपर ले जाएंगे, सब्जेक्टिव होगा जो, राइट। तो हम रिविजन भी उसी प्रकार के करेंगे कि फर्स्ट रिविजन है उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो कहते होगा किस प्रकार के हो सकता है क्वेश्चन, वो सब हम देखेंगे। और नेक्स्ट रिविजन में हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव का, राइट। कि आप लोग घर पे जो पेपर ले जाएंगे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं और हमें किस प्रकार से उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम का रिवीजन, राइट। सबसे पहले मैं जो आप लोगों को आज वर्कशीट देने वाली हूँ वही समझा रही हूँ, तो उसके आंसर भी आप लोगों को देखते जाने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन 1 होगा एमसीक्यू, यानी कि हमारे सही उत्तर चुनकर लिखे। तो अब हम लोग हमारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम का है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला प्रश्न है जापान का पारंपरिक पहनावा क्या है। तो जापान का पारंपरिक पहनावा क्या है, सुमो, किमोनोस, टोक्यो और येन। और जो चौथा है येन, सुमो, किमोनोस, टोक्यो और येन। तो टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है, राइट। और येन क्या है, जापान की मुद्रा है। और सुमो उसका जापानी खेल है, राइट। तो आंसर क्या होगा, किमोनोस, जो वो लोग चेरी उत्सव में ये पहनावा पहनते हैं, किमोनोस, राइट। फर्स्ट में आएगा जापान का पारंपरिक पहनावा किमोनोस है, राइट। सेकंड क्वेश्चन, अमीर शब्द का विलोम शब्द, अमीर शब्द का विलोम शब्द क्या है, गरीब, गरीब उठना, बड़ा या आसमान। तो अमीर शब्द का विलोम, विलोम यानी कि याद रखना है कि उल्टा, कैसा उल्टा, राइट। तो गरीब उठना, बड़ा या आसमान, तो अमीर शब्द का विलोम शब्द होगा गरीब, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, पापा दफ्तर क्यों जाते हैं। हमने चैप्टर नंबर 9 में देखा था कि पापा दफ्तर क्यों जाते हैं, आराम करने, काम करने, घूमने, या तीनों में से कोई भी नहीं। पापा दफ्तर हमेशा क्यों जाते हैं, काम करने, क्यों जाते हैं, काम करने। तो काम करने आंसर इज राइट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लकड़हारा दुखी हो गया, नाम वाले शब्द को छाड़कर लिखो। नाम वाला शब्द कौन सा शब्द, नाम वाला। तो नाम वाला शब्द यानी कि क्या होगा, हमने हमारा ये लेसन किया था जब, तब हमने बात की थी कि नाम वाला शब्द यानी कि संज्ञा, कोई भी नाम, राइट। तो कोई भी नाम है, तो इसमें आप लोगों को कहां पर नाम दिखाई दे रहा है, लकड़हारा, दुखी या हो गया, कौन सा आप लोगों को नाम दिखाई दे रहा है, लकड़हारा, राइट। लकड़हारा वो एक नाम है। अगर आपको कहा जाए कि जलपरी पानी में अदृश्य हो गई, तो उसमें नाम कौन सा है, जलपरी, क्या है, जलपरी, राइट। हाथी तालाब में नहा रहा है, तो उसमें नाम क्या होगा, हाथी, राइट। जो भी नाम वाला शब्द है उसको कहते हैं संज्ञा। तो इसमें क्या, कौन सा नाम है, लकड़हारा दुखी हो गया, तो लकड़हारा क्या है, नाम वाला शब्द, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 5, परी शब्द का बहुवचन क्या है, परी शब्द का। तो परी, मैंने बहुत बार ये करवाया है कि बहुवचन कैसे करते हैं, उसका हमें खास ख्याल रखना है कि परी, तो री कैसा करेंगे हम लोग, उसकी मात्रा हम लोग चेंज कर देंगे, राइट। प, री की मात्रा चेंज, और या के ऊपर क्या लगेगा, अनुनासिक, राइट।
हमेशा याद रखना है कि बहुवचन अगर हम करेंगे तो उसमें री की मात्रा का दीर्घ है तो हमें ह्रस्व करनी है और या के ऊपर हमें अनुनासिक लगाना है। देखो कैसे सेकंड करेंगे कि प री और या के ऊपर अनुनासिक भी की है। दूसरा देखते हैं प री और या। देखो तो इसमें मैंने मात्रा चेंज नहीं की, या के ऊपर अनुनासिक तो लिखा पर री की मात्रा चेंज नहीं की, तो ये कैसा होगा? रोम होगा। दूसरा देखो यहाँ पर री की मात्रा मैंने चेंज की है पर या के ऊपर अनुनासिक नहीं लगाया, तो ये भी होगा रोम, राइट। तो इसमें आंसर कौन सा राइट होगा कि हमें मात्रा भी चेंज करनी है और या के ऊपर हमें अनुनासिक भी लगाना है, राइट। तो ये आंसर राइट होगा। हमेशा याद रखना कि जब भी हमें कोई बहुवचन लिखने के लिए कहा है वो भी ई की मात्रा वाला, तो मात्रा को चेंज करना है और फिर या के ऊपर हमें अनुनासिक लगाना है। देखो दूसरा एक ऑप्शन देख रहे हैं, दूसरा एक शब्द देखते हैं। जैसे कि हमें दिया है लकड़ी, क्या दिया है? लकड़ी। तो हम उसका क्या करेंगे? सबसे पहले तो ल क डी की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक, राइट। डी की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक करेंगे, ओके। पर या री की मात्रा चेंज, वैसे ही डी की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक। अगर अनुनासिक नहीं किया तो भी वो हमारा रॉन्ग होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। लकड़हारे के सामने अचानक कौन आ गया? लकड़हारे की जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई थी, राइट, नदी में। तो नदी के पास दुखी होके बैठ गया था, फिर अचानक उसके सामने कौन आ गया? सोने की कुल्हाड़ी, जलपरी, चांदी की कुल्हाड़ी या लोहे की कुल्हाड़ी? कौन आ गया था सबसे सामने उसके? जलपरी, राइट। जलपरी निकली थी ना सबसे पहले तो पानी में, फिर वो कुल्हाड़ियां लेके आई थी। तो लकड़हारे के सामने अचानक जलपरी आ गई, राइट। क्वेश्चन नंबर 7। जापान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? वहां पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? दिवाली, चेरी उत्सव, स्ट्रॉबेरी उत्सव या होली? जापान में सबसे क्या ज्यादा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें वो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है किमोनोस नाम का पहनावा पहनते हैं या चेरी उत्सव, राइट। तो जापान में दिवाली नहीं बट चेरी उत्सव मनाया जाता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। भूमि शब्द का समान अर्थ वाला शब्द क्या है? भूमि शब्द का, तो भूमि का समान अर्थ, समान अर्थ यानी सिनोनिम्स वर्ड, उसके जैसा ही दूसरा शब्द। खासकर ध्यान रखना है कि विलोम और समान अर्थ में खास ध्यान रखना है, विलोम में समान नहीं लिख देना है और समान अर्थ में हमें विलोम नहीं लिख देना, राइट। भूमि शब्द का समान क्या होगा? साल, आवार, पहाड़ या जमीन? तो जमीन, क्या आंसर आएगा? जमीन, राइट। भूमि शब्द का क्या होगा? जमीन। फिर उसके बाद देखो विवेक और भव्या हर वर्ष कहाँ जाते हैं? आते हैं। विवेक और भव्या रहते थे कहाँ पर? विदेश में। और वो हर वर्ष कहाँ आते थे? कहाँ आते थे? विदेश, भारत, गांव या यूरोप? तो वो लोग भारत आते थे। कहाँ पर आते थे? भारत। और भारत में आके उनके दादाजी उन्हें गांव में ले गए थे, राइट। तो इसमें आंसर क्या आएगा? भारत, राइट। विवेक और भव्या हर वर्ष भारत आते थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 10। लकड़हारा अपना गुजारा कैसे चलाता था? लकड़हारा अपना गुजारा कैसे चलाएगा? कि वो लकड़ी काटने का काम करता है, राइट। कोई सुनार है तो वो सोने चांदी के जवेरात बनाता है, राइट। और जो कोई बढ़ई है तो वो लकड़ी का काम की फर्नीचर बनाता है, उसको बढ़ई कहते हैं, राइट। खास याद रखना जो लकड़ी की चीजें बनाता है उसको बढ़ई कहते हैं और जो लकड़ी काटता है उसको कहते हैं लकड़हारा। तो लकड़ी काट कर, लकड़ी समेट कर यानी कि इकट्ठा कर और काम करके या तीनों में से कोई भी नहीं, तो लकड़ी काट कर वो अपना गुजारा चलाता था, राइट। ये थे क्वेश्चन 10। हमारे सही उत्तर को चुनकर हमें राइट करना था, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ब्लैंक, हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति करें, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैंक से हमारे रिक्त स्थान, तो उसमें हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर आंसर ऑलरेडी 4 दे दिए हैं, राइट। तो हमें किसके अंदर कौन सा अर्थ रहेगा वो देखने के लिए हमें हमारे फोन में थोड़ा सा देखो ट्राई करनी होगी कि हम लोग मिस्टेक ना करें, क्योंकि आंसर थोड़े से हम लोग जैसे भी टच करते जाएंगे वैसे ऊपर हमारा आंसर चला जाएगा, राइट।
सबसे पहले क्या है कि देखो किसके अंदर क्या दिया है, बोन देख लेते एक बार, राइट। हमें किसमें दिया है, टोक्यो टी, इसके अंदर क्या दिया है, सी के अंदर हमें दिया है टोक्यो, और डी के अंदर दिया है हमें क्या दिया है, नदी, और बी के अंदर हमें दिया है शाम, और ए के अंदर हमें क्या दिया है वो एक बार देख लेते, ए के अंदर हमें दिया है दादा दादी, दादा दादी, राइट। देखो हमें खास ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से आंसर को हमें देखना है, कैसे हमें समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की राजधानी डेज है, जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी ओके। तो देखो यहां पर हमें ए बी सी और डी ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसे एग्जाम दे दी है, इससे सबको पता ही है कि हमें इसके आंसर किस तरीके से हमें टिक करने हैं, राइट। ऑलरेडी हमने एक बार FA1 एग्जाम में ऐसी प्रैक्टिस कर ली है। देखो जापान की राजधानी कौन सी है, तो यहाँ पर आंसर देखो ए में है दादा दादी, बी में सांत, सी में टोक्यो और डी में है नदी। तो कौन सा आंसर आएगा, जापान की राजधानी कौन सी है, यस टोक्यो, कौन सी है, सी वाला आंसर। तो सी में हमें राइट करना है ओके। इसका आंसर क्या होगा, सी, सी के अंदर टोक्यो में दिया है तो सी आंसर राइट है ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है और उसके ऑप्शन देखने हैं, राइट। ये अभी चला गया राइट, ये हमारा हो गया क्लियर। सेकंड में भी ए बी सी और डी दिया है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि कुल्हाड़ी डेज में गिर गई, तो कुल्हाड़ी किस में गिर गई थी, नदी में, शांत या दादा दादी, तो कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, वो कहां पर है, डी के अंदर। हमें क्या करना है, डी के अंदर हमें राइट करना है ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, उसके अंदर भी ए बी सी और डी है, राइट। तो उसमें देखते हैं कि गांव का वातावरण डेज और स्वच्छ होता है, तो गांव का वातावरण कैसा होता है, शांत और स्वच्छ, किसके अंदर है, बी के अंदर, तो हमें किसके अंदर राइट करना है, बी के अंदर ओके। फिर फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या है कि हमें डेज संग बैठना चाहिए, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी या चाचा दादी, तो हमें दादा दादी संग बैठना चाहिए, तो वो किसके अंदर है, हमें दिया है वो हमें ए के अंदर, तो हमें किसके अंदर हम साइन करेंगे, ए के अंदर, राइट। तो हमें यहाँ पर जहां पर हमें दिया है वहीं पर हमें टिक करना है, इसमें बी वाला आंसर राइट है तो बी में टिक करना है, फोर्थ वाले में ए वाला आंसर राइट है तो फोर्थ में राइट करना है ओके। खास ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा हम जो क्वेश्चन देखते जाएंगे ना, तो ये हमारे आंसर है ना वो थोड़े से ऊपर चले जाएंगे, तो वहां पर उसको ड्रैग करके नीचे लाना है, फिर देखना है ए बी सी डी किसके अंदर है, और फिर ही हमें आंसर लिखने है ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, राइट और रॉन्ग, सही और गलत को पहचानो, राइट। वो भी 3 मार्क्स का है। फर्स्ट, दादाजी बच्चों को रेलगाड़ी से ले गए, दादाजी बच्चों को रेलगाड़ी से ले गए, सही था, यस। दादाजी विवेक और भव्या को गांव में किसमें ले गए थे, रेलगाड़ी में, तो ये सही है। सेकंड वाला देखते हैं, मम्मी दफ्तर जाती है, मम्मी जाती है दफ्तर, नहीं, कौन जाता है, कौन जाते हैं, पापा, राइट। ये होगा गलत यानी कि रॉन्ग। थर्ड वाला, जापान में भूकंप आते रहते हैं, जापान में भूकंप आते रहते हैं, यस राइट। तो ये होगा सही, पहला सही, दूसरा गलत और थर्ड वाला सही, राइट। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट। उसमें क्या है, मेक द फॉलोइंग यानी कि सही मिलान करो, राइट। तो हमें देखो खास इसमें भी याद रखना है कि हमें इसमें कैसे क्वेश्चन दिए, 18, 19 और 20, और यहाँ पर दिया होगा ए बी और सी, यहाँ पर भी दिया होगा 18,
19 और 20, और यहाँ पर भी दिया हुआ है 18, 19 और 20। अभी इसके सामने कौन सा आंसर आएगा वो हमें पहले हम लिख ही लेंगे, राइट, कि ए वाला, बी वाला, सी वाला कौन सा आंसर आएगा। फर्स्ट देखो, जापान का प्रिय खेल, जापान का प्रिय खेल, तो देखो ए बी सी में से कौन सा है, चटाइया, छोटे छोटे द्वीपों का समूह, या सुमो, इसके अंदर है सी, सुमो के अंदर, तो इसमें कौन सा आएगा, देखो हम इसमें क्लिक लेते हैं, राइट, 18 के अंदर आएगा सी। फिर देखते हैं सेकंड वाला, चटाई शब्द का बहुवचन, तो क्या होगा, चटाइया, तो वो किसके अंदर है, ए के अंदर। फिर देखो 20 वाला, जापान दे, छोटे छोटे द्वीपों का, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, राइट, जापान एक छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ एक समूह है, तो वो क्या किस में है, बी के अंदर, राइट। तो ऐसा सीक्वेंस हमें कहां पर दिखाई दे रहा है, 18 के अंदर सी हो, 19 के अंदर ए हो, और 20 के अंदर बी हो, ऐसा सीक्वेंस यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, किसके अंदर है वो हमें खास कर पहले देखना है, कि 18 में आंसर सी है वो हमने देख लिया, 19 में अंदर ए है वो भी देख लिया, और 20 के अंदर बी आंसर है, तो इसके तीनों में से किसके अंदर ऐसा सीक्वेंस है, तो वो आंसर हमें टिक करना है। अगर हमने कोई भी एक ऑप्शन देखे, यहाँ पर हमें सी दिया है, यहाँ बी और ए, सिर्फ एक आंसर देख के हमने इसको टिक कर दिया, तो हमारे तीन मार्क्स रॉन्ग हो जाएंगे, राइट, हमारे तीनों के तीनों मार्क्स चले जाएंगे। खास कर याद रखना है कि तीनों के तीनों ऑप्शन के आंसर पहले एक बार देख लेने हैं और फिर ही हमें राइट करना है। ओके, तो ये था हमारा सही मिलान करो। नाउ अभी मैंने जो वर्कशीट आप लोगों को समझाई उसी के अनुसार हमें प्रैक्टिस करनी है, विलोम शब्द, समान शब्द, हमारे चारों चैप्टर। ओके, तो आज हमने किसका रिवीजन किया, ऑनलाइन एग्जाम जो हमारी ऑब्जेक्टिव बेस पर होगी उसका, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिवीजन टू करेंगे, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो आप लोग अपने घर पे ले जाएंगे उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट रिवीजन में। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, थैंक यू, बाय बाय।